हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सिंह आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल बीके सिंह साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं फिर एक बार आपका सबसे चाहिदा सब्जेक्ट फिजिक्स का मैं नंबर सिस्टम लेकर उपस्थित हूं। तो आप लोग जल्दी से लाइव आएं। यदि आज मेरे चैनल पर आज सब पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। और हाँ, आज जो मैं नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूँ उसका एक पार्ट्स मैं बना चुका हूँ, आप वो वीडियो देखें उसके बाद ये वीडियो देखें। तो चलिए मैं अब शुरू करता हूँ। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ये संख्या पद्धति क्या है? किसी भी अंक को दर्शाने के लिए हम किसी डिजिट का प्रयोग करते हैं, किसी भी संख्या का प्रयोग करते हैं, इसी को कहा जाता है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम अंग्रेजी में इसको कहते हैं। तो संख्या पद्धति को हम चार प्रकार से लिखते हैं। तो सबसे पहला है डिसिमल नंबर सिस्टम, जो हम पढ़ा चुके हैं। दशमिक अंकन पद्धति उसको कहते हैं। अब तक हम लोग जो सीखते आए हैं वो दशमिक अंकन पद्धति होती है, जिसमें किसी भी संख्या को लिखने के लिए 10 अंक का प्रयोग करते हैं, 0 से लेकर के 9 तक टोटल 10 संख्या होता है, 10 अंक होते हैं, तो उसे कहते हैं दशमिक अंकन पद्धति। और दूसरा होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, द्विआधारी अंकन पद्धति। द्विआधारी अंकन पद्धति कहते हैं किसी भी संख्या को लिखने के लिए 2 अंक, 0 और 1, यही 2 अंक मिलाकर के कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या का प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं, और आज मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो चलिए हम बताते हैं कि ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है। ये पहला और दूसरा मैं पिछले वीडियो बता चुका हूं। आज ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करेंगे और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात मैं करूंगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है? तो किसी भी संख्या को लिखने के लिए 8 अंक का ही प्रयोग हम करते हैं। तो 8 अंक हो गया आपका, 8 अंक आपका 0 1 2 3 4 5 6 7, गिनती कर लीजिए, 8 अंक हो गया। बस किसी भी संख्या को लिखने के लिए बस इसी 8 अंक का प्रयोग करते हैं, उसे हम ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं। इसका जो है आधार यानी बेस जो होता है वह 8 होता है। दशमिक अंकन पद्धति का जो बेस होता था वह 10 होता था। द्विआधारी अंकन पद्धति का जो बेस होता था वह 2 होता था। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो हम प्रयोग करते हैं तो वह संख्या जो होती है वह क्या होती है, उस संख्या का बेस 8 होता है, और उस संख्या को हम बस 8 अंक का ही प्रयोग करते हैं, यानी 0 से लेकर 7 तक, 8 9 ये सब का प्रयोग नहीं करते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसका, चलिए हम वो बताते हैं। तो किसी भी संख्या को लिखने के लिए, किसी भी संख्या को ऑक्टल में बदलने के लिए आपको सबसे पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। तो इसका रूल है कि कन्वर्ट इनटू बाइनरी, सबसे कन्वर्ट इनटू बाइनरी यानी संख्या को क्या करेंगे, संख्या को द्विआधारी में बदलेंगे, द्विआधारी पद्धति में बदलेंगे द्विआधारी पद्धति में बदलेंगे। तो कोई भी संख्या है उसका जो हम लोग अब तक सीखते आए हैं वह दशमिक होता। जैसे एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, जैसे 25,
25। यह क्या है? यह दार्शनिक में है। इसका है द्विआधारी क्या होता है? बस द्विआधारी, बस द्विआधारी निकल जाएगा तो उसका दार्शनिक भी निकल जाएगा। तो पहले इसका द्विआधारी हम इसके दो ट्रिक बताए हैं, बस थोड़ा सा पीछे का बता देते हैं। यानी कोई भी संख्या में क्या करना है, दो से भाग लगानी है, और जो शेष आएंगे ना शेष, उसको यहां पर इस रो में लिखेंगे। तो दो से लगाएंगे 25 में तो कितना होगा, 12 दूनी 24, 1 25, फिर दो से लगाएंगे तो 6 दूनी 12 शून्य, फिर दो से लगाएंगे 3 दूनी 6 शून्य, फिर दो से लगाएंगे कितना, 2 इकाई 2 हाथ में 1, और नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं, यानी बॉटम से टॉप की ओर लिखते जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 11001, 11001, ये हुआ 25 का द्विआधारी। चलिए और दार्शनिक में क्या करना है, ये पहला है रूल की संख्या को द्विआधारी में बदलेंगे। तो चलिए द्विआधारी में बदल दिए, ये फर्स्ट रूल है। और सेकेंड रूल है बाइनरी को करेंगे एड टू 3 डिजिट, 3 डिजिट को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो बाइनरी को क्या करेंगे, द्विआधारी संख्या को 3 तिल का जोड़ा लगाएंगे, 3 का जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लगाना है। तो बस इसमें 3 संख्या को जोड़ा लगाना है। तो यहां पर देखिए 25, यहां पर देखिए 11001, इसको 3 का जोड़ा लगाना है। तो 3 इधर कर दिए, 3 संख्या ले लिए, इधर ये 2 ही संख्या बच रही है ना, तो इसके पीछे 0 लिख देंगे। इसके पीछे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। किसी संख्या के पीछे 0 लिखने से जो है उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस संख्या के हम पीछे क्या कर दिए, 0 कर दिए, और 3 का जोड़ा लगा दिए। तो चलिए देखिए ये पहला जोड़ा जो है से कितना है, यानी 001 कितने का हुआ, ये 1 होता है इसका मतलब ना, 001 कितने का हो गया, 1 का हो गया। चलिए अब देखिए 110 ये कितने का हो गया, तो वो हम आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं आपको। या जो है 11 जो होता है वह 3 का होता है, 11 कितना का होता है, 3 का। देखिए दो से भाग लगाएंगे, 1 एक शेष बच जाएगा, तो 1 लिखेंगे ना, 11 ये कितना हो गया, 31, ये जो हो गया वह 31 जो हो गया वह क्या हो गया, इसका ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया। चलिए ये आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसी को प्रूफ करके बताएंगे कि वाकई में जो है यह जो है 31 या ऑक्टल सिस्टम, यानी 25 डिसिमल सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं उसको ऑक्टल सिस्टम में 31 लिखते हैं। इसको क्या करेंगे, इसको प्रूफ करते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अभी हम बताएं 25 ये डिसिमल है, इसको आया है आपको कितना आया है, 11001 यही ना आया है, हाँ 11001 आया है। इसको 3 जोड़ा लगाएंगे तो ये इधर 0 दे दिए तो क्या आ गया, 31 ये हो गया ऑक्टल नंबर सिस्टम, समझे। चलिए और इसके बाद हम इसको प्रूफ करके बताते हैं कि ये 25 उड़ता है कि नहीं। तो चलिए बताते हैं, 3 × 8 प्लस 1 × 8 इसका पावर कितना देंगे, 0, इसका पावर कितना देंगे, 1। चलिए 3 × 8 और प्लस 1 × 8 के पावर 0 है, इसका मतलब 1, यानी 8 × 3 = 24 और प्लस 1 यानी 25, ये 25 उड़ गया ना, 25 ये जो हो गया से डिसिमल हो गया और ये हो गया सो ऑक्टल हो गया। तो बाइनरी बदलने के लिए हम सबसे पहले आप लोगों को एक ट्रिक भी बताए थे कि क्या करेंगे, 1 2 4 8 16 32 64
128, 256 इस प्रकार जो है गुना के रूप में ये क्या होता जाएगा, चलता जाएगा। और जिस संख्या को मुझे लेना है उसको ऑन कर देंगे और जिस संख्या को नहीं लेना है उसे ऑफ कर देंगे। तो चलिए, ऑन का मतलब होता है ऑन करेंगे तो उसको एक लिखेंगे और ऑफ कर देंगे उसको जीरो लिख देंगे, उसके बदला जीरो लिख देंगे। तो चलिए हम किसी एक और दूसरा संख्या लेते हैं। तो चलिए अब हम लेते हैं 72। चलिए 72 है, इसका जो है डिसिमल नंबर सिस्टम, ये तो है ही है डिसिमल नंबर सिस्टम, इसका आधार 10 है तो इसका बाइनरी नंबर सिस्टम और इसका ऑक्टल नंबर सिस्टम बताएंगे कैसे। तो ये 72 है, यहाँ पर ट्रिक देखिए, 72 कौन कौन संख्या को जोड़ेंगे तो 72 पूर जाएगा। 64 ले लेते हैं एक, चलिए 64 इसको ऑन कर देते हैं, यानी इस संख्या को ले रहे हैं। उसके बाद इसके इसको क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। 64 और 8 72 8 72, उसके बाद सब संख्या क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो क्या हो गया, 100100, बस हो गया, ये इसका हो गया द्विआधारी अंकन पद्धति। 1 इसको ऑन ले लिए इसीलिए इसको ऑन कर दिए हैं, 1 इसको छोड़ दिए हैं इसीलिए इसको 0, इसको 1, 64 और 8 72 हो गया, ये आपका हो गया। और इसका ऑक्टल नंबर सिस्टम कितना होगा, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में बताए हैं क्या, इसको 3-3 का जोड़ा लगाना है। तो चलिए पहला का जोड़ा लगाइए, ये 3 संख्या है ना, और ये फिर 3 संख्या है, फिर अगर ये इधर देखिए 100100, 1 3 1, फिर 3, इधर 1 ही पुर रहा है, इसके पीछे 2 जीरो लगा देंगे। तो चलिए अब ये हो गया आपका 3 अंक। अब चलिए यहाँ पर देखिए, ये इसका मतलब क्या होगा, 0 होगा, 3 0 5 0 10 0, इसका मतलब 0 ही होगा ना। चलिए 001 कितने का होता है, यानी 1 का ही होता है, तो 1 लिख दिए। चलिए उसके बाद क्या हुआ, 001 फिर कितना का हो गया, 1, ये हो गया इसका ऑक्टल नंबर सिस्टम 110। अब देखिए कितना का, 72 का ऑक्टल जो होता है 110 होता है, ये इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। चलिए कर देते हैं, 1 × 8 + 1 × 8 + 0 × 8, इसका पावर 0, इसका पावर 1, इसका पावर 2, 1 × कितना आ जाएगा, 64 + 1 × 8 + 0 × 1, 64 + 8 + 0 आ गया ना 72 इज द राइट आंसर। तो ये तो हम जान गए, अब हम कम से कम जो है 1 से 10 तक का जो है सो बाइनरी सिस्टम याद रखना पड़ेगा, ताकि जो है सो वो ऐड करे तो ये कितना का हुआ, 3-3 संख्या वाली आएगी, तो हम उसको तुरंत तुरंत लिख सकते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे की ओर देते हैं। चलिए 1 से लेकर के 10 का हम टेबल बता देते हैं कि एक दशमिक अंकन पद्धति, दशमिक अंकन पद्धति, यानी ये इसका आधार कितना होता है 10, और इसका द्विआधारी अंकन पद्धति, इसका आधार कितना होता है 2 होता, समझे, इसमें 10 अंक का प्रयोग किया जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस, और इसमें मात्र 2 अंक का प्रयोग किया जाता है, 1 और 0। चलिए तो एक का जो होता है, एक जो है सो दशमिक अंकन पद्धति है, तो इसका द्विआधारी क्या होगा, 1 ही होगा, 0 का भी 0 और 1 का भी 1, 0 का भी 0 और 1 का भी 1, 2 का
टू का गिनती कर लेंगे, टू और टू में कितना भाग लगाना है, टू से, तो क्या कितना मतलब एक मर्तब्य, जीरो, तो क्या हो जाएगा वन जीरो। चलिए थ्री का कितना होगा देख लेंगे, आप भाग लगा करके दो, दो इकाई दो एक, यानी थ्री का होगा वन वन। फोर का कितना होगा, फोर का, फोर का हो जाएगा टू दो दो ना चार, शून्य दो इकाई दो शून्य, यानी फोर का हो जाएगा वन वन जीरो जीरो। फाइव का, चलिए फाइव का होगा दो इकाई दो दो ना चार, हाथ में एक, फिर टू इकाई टू शून्य, यानी वन जीरो वन। सिक्स का कितना होगा, सिक्स का हो गया तीन दूनी छ, हाथ में शून्य, दो दो इकाई दो हाथ में एक, यानी हो गया वन वन जीरो। सेवन का कितना हो जाएगा, सेवन का हो जाएगा दो दूना तीन दूनी छ, हाथ में एक, दो इकाई दो एक, यानी हो जाएगा वन वन वन। एट का कितना हो जाएगा, चार दूनी आठ शून्य, दो दूना चार शून्य, दो इकाई दो शून्य, यानी वन जीरो जीरो जीरो। नौ का कितना होगा, नौ का देख लीजिए भाग लगा करके, दो चार दूनी आठ एक नौ, दो इकाई दो दूना चार शून्य, दो इकाई दो एक शून्य, यानी वन वन जीरो वन। ये हो गया नौ का। और दस का कितना होगा, दस का लगाओ दो पाँच दूनी दस शून्य, दो दो दूना चार एक पाँच, दो इकाई दो शून्य, वन जीरो वन जीरो। इलेवन का कितना हो जाएगा, इलेवन का हो जाएगा दो, आप कर सकते हैं पाँच दूनी दस एक, दो दो दूना चार एक, दो इकाई दो शून्य, वन जीरो वन वन। चलिए इतना ये टेबल है, आपको आगे की ओर जो है सो बनाने में बहुत आसानी होगी, तीन तीन करके जोड़ेंगे। तो ये टेबल को आप लोग लिखिए, इसको कॉपी पर उतार लीजिए। तो चलिए हम कोई संख्या देते हैं, बहुत बड़ी सी संख्या हो सकती है, छोटी भी संख्या हो सकती है। तो चलिए जो देते हैं अब 125, यह जो है 125 दशमिक में है, इसका ऑक्टल में क्या होगा, यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होगा। तो हम बता दिए हैं कि यह संख्या जो है जो दशमिक है उसको सबसे पहले क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। तो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे 125 का, तो 125 के लिए वही ट्रिक ले लेंगे, 1 2 4 8 16 32 64 128 256। बस हो गया, देखिए 125 है तो बस 125 से कम ही लेना होगा, यानी 64, यानी पहला 64, एक इसको भी ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं, यानी 32 हो गया 96, ये 16, 96 और 16 हो गया 112, इसको भी ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं, तो 112 120, इसको भी ले लेते हैं 124, इसको जीरो कर देते हैं, इसको ले लेते हैं, बस 125 पुर गया। देख लीजिए यहाँ पर 64 लिए, इस ऑन कर दिए, 64 और 32 96 हो गया, 96 और 16 112 हो गया, 112 8 120 हो गया, 124 हो गया, 24 हमको 25 पुराना था तो इसको छोड़ दिए और इसको फिर ले लिए, यानी जिस संख्या को लेते हैं उसको ऑन और जिस संख्या को नहीं लेते हैं उसको ऑफ कर देते हैं। तो चलिए ये संख्या हो गया, यानी 1 1 1 1 1 0 1, ये हो गया आपका द्विआधारी, इसको हम द्विआधारी में ना चेंज किए हैं, अब ना हम इसको क्या करेंगे, ऑक्टल में चेंज करेंगे। इसका रूल क्या है, इसको क्या करेंगे, तीन तीन समूह को जोड़ेंगे, तो तीन तीन समूह करके जोड़िए, चलिए 1 2
तो चलिए इसको जोड़ते हैं तीन तीन करके। देखिए राइट साइड से जोड़ेंगे तो तीन ले लिए, फिर तीन ले लिए, बच गया एक, तो उसके पीछे दो अंक जीरो लगा देंगे। बस ये हो गया 101। कितने का है? 5 का है, देख रहे हैं 101 कितने का है? 5 का है। 111 कितने का है? 7 का है। 001 यानी अर्थात ये 1 ही हुआ ना, यानी 1 यानी 175 जो है या इसका ऑक्टल सिस्टम हो गया। चलिए तो आप लोग सीख गए होंगे, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे आप लोग। तो चलिए बताइए जल्दी, अच्छा लग रहा है ना? चलिए इसको हम थोड़ा फिर से चेंज कर देते हैं। 125 ये है, ये आ गया 175 ऑक्टेट, ऑक्टल सिस्टम। इसको चेक कर देते हैं, 1 × 8 + 7 × 8 + 5 × 8 012 यही करना है ना। 1 × 8 = 64 + 7 × 8 + 5 × 1 = 66 + 8 = 56 + 5 जोड़ लीजिए, 5 × 6 = 4 = 15 + 5 = 1 + 6 = 11 + 1 = 12 बस पुर गया ना। ये सब कोड भाषा में बात करने के लिए ये सब लिखी जाती है। चलिए इसको जल्दी लिखिए आप लोग, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। लिख लिए होंगे, इसको अब डिलीट करते हैं। चलिए अब हम बताते हैं आप लोगों को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम वो कैसे लिखी जाती है। इसको हम डिलीट नहीं के इसको नहीं मिटाए हैं ताकि इसका यूज जरूरी पड़ेगा इसीलिए। तो ये चौथा है नंबर सिस्टम लिखने की, ये चौथी विधि है। पहली थी दशमिक अंकन पद्धति, दूसरी है बाइनरी सिस्टम और तीसरी है ऑक्टल नंबर सिस्टम और ये चौथी है आप लोगों को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इसका आधार जो होता है वह 16 होता है। तो इसमें जो है 15 अंकों का प्रयोग किया जाता है। देखिए आप लोग जाइएगा नहीं वीडियो छोड़ करके, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कहीं भी प्रॉब्लम हो, कोई भी संख्या हो उसको बदलने के लिए, तो आप उसको मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो देखिए इसमें जीरो से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 हुआ ना, फिर 10 11 फिर 12 फिर 13 14 फिर 15 ये देख लीजिए 15 अंक यानी 16 अंक हो गया। 0 से लेकर 15 अंक गिनते हैं तो 16 अंक यानी किसी भी अंक को लिखने के लिए इसी 16 अंकों का प्रयोग करते हैं। एक बात ध्यान में देने योग्य बात है कि 9 तक तो लिखते ही हैं, 10 को 10 नहीं लिखते हैं। यानी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 10 को 10 नहीं लिखते हैं, 10 को लिखते हैं ए, 11 को लिखते हैं बी, 12 को लिखते हैं सी, 13 को लिखते हैं डी, 14 को लिखते हैं ई, 15 को लिखते हैं एफ। यानी 9 तक संख्या का प्रयोग करते हैं लेकिन 10 के बाद जो भी संख्या आती है उसके लिए हम क्या करते हैं, ए बी सी डी का प्रयोग करते हैं। बस एक ये ट्रिक है, ये तो आपको जानना ही पड़ेगा। इसका ट्रिक क्या है पहले समझ लीजिए,
सबसे पहले क्या करेंगे, उस संख्या को जो दशमिक अंकन पद्धति में जो संख्या रहेगी उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे, दशमिक अंकन पद्धति को द्विआधारी अंकन पद्धति में बदलेंगे बदलेंगे। जैसे अभी हम ऑक्टल नंबर सिस्टम के लिए भी जो है सो क्या किए हैं, द्विआधारी में उसको चेंज किए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये पहला, और उसके बाद क्या करेंगे, उसमें तीन तीन संख्या को, तीन तीन संख्या को क्या करते थे, जोड़ा लगाते थे। इसमें चार चार संख्या के जोड़ा लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, द्विआधारी संख्या को चार चार में जोड़ेंगे, जोड़ा लगाएंगे। चार चार में जोड़ा लगाएंगे, बस ये लिखिए, बस देखिए कैसे बताता हूं मैं। बस अभी 125 लिए थे ना, 125 लिए थे, तो 125 के लिए हम कौन कौन से संख्या लिए थे, वे संख्या मिटा दिए हैं, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, इस प्रकार चला जाएगा, 1024, इस प्रकार चला जाएगा। तो चलिए देखिए, 125 है, यानी 125 है, इसका मतलब 128 से कम ही छोटा होगा कोई ना, 125 है तो कौन कौन लेंगे, 64 नहीं तो 64 को कर देते हैं ऑन, ऑन कर दिए, इसको भी ऑन कर दिए, तो 96 हो गया, इसको कर दिए तो क्या हो गया, 112 हो गया, 120 हो गया, 124 हो गया, 01 125 हो गया, यानी 1111, 1, 2, 3, 4, 5 को वन है ना, उसका 01, ये हो गया आपका द्विआधारी। अब देखिए इसको हम अभी बताए कि तीन तीन ग्रुप को जोड़ते हैं तो वह जो है अष्टक अंकन पद्धति यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम में जाता है। ये देखिए 101 कितने का होता है, राइट से जोड़ेंगे, 101 5 का होता है, 111 कितना का था, 7 का, इसके पीछे दो जीरो लगा देंगे फिर भी उसका मान जो है सो कितना रहेगा, एक ही रहेगा ना, इसके पीछे अगर हम दो जीरो लगा देते हैं, चार चार तीन तीन ग्रुप में पुराना है तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब 1 हो गया, अर्थात 175, ये क्या हो गया, इसका ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया। अब देखिए यहां पर इसके तीन तीन ग्रुप में जोड़े हैं तो ऑक्टल में आ गया है, अब चार चार ग्रुप में जोड़ेंगे तो वह क्या हो जाएगा, हेक्साडेसिमल में आ जाएगा। यहां पर देखिए चार चार ग्रुप के जोड़िए, 4, 1, 2, 3, 4, फिर 1, पहले तो ये नहीं था ना, 1, 2, 3, इसको 4 हो गया ना। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, 1 इधर से कीजिए, 1101 कितने का होता है, 1101 कितने का होता है, देख लेंगे 1101 9 का होता है ना, लिख देंगे 9, देखिए इसका मतलब 9 हुआ और इसका मतलब क्या, 111 यानी 111, ये कितना का हो गया, 7 का, यानी ये हो गया 79, ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल। आप इसको जल्दी से ना लिखिए, इसको हम प्रूफ करते हैं, इसको हम फिर चेक करते हैं कि यह वाकई में सही है या नहीं, इसको आप लिखिए पहले। चलिए अब इसको हम प्रूफ करते हैं, 7 ये कितना है, 125 का हेक्साडेसिमल जो होता है 79 होता है, इसको प्रूफ करना था, 7 × 16 प्लस 9 × 16, इसका पावर 0 कर देंगे, इसका पावर 1 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा,
सात गुने सोलह जोर नौ गुने सोलह के पावर एक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सोलह के पावर जीरो इसका मतलब एक हो गया, तो कितना होगा सोलसते, सोलसते बल उत्तर से। वन जीरो, गलती तो नहीं हो गया, सोलह छक छियानवे सोलसते बल उत्तर से प्लस नौ इंटू नौ इंटू वन बारह एक सौ इक्कीस पूरा है। थोड़ा यहां पर गलती हो गया है, इसको देख चेक कर लेते हैं कि नौ का ये वाकई सही है या नहीं है, तो इसको हम चेक कर लेंगे। नौ के लिए ये क्या क्या है, वन जीरो वन वन, यानी नौ का फिर से कर लेंगे तो दो दो दूना चार दूनी आठ, एक नौ दो दूना चार शून्य दो इकाई दो शून्य, यानी वन वन ये गलत हो गया था, वन जीरो जीरो वन ये इतने का होता है। उसके बाद ये जो है वन वन जीरो वन ये कितने का है वो दिखना होगा, तो इसके लिए हम ये ऑन ऑफ करके ये इसमें चेक कर सकते हैं। ये वन जीरो वन वन अर्थात ये है आठ चार बारह एक तेरह, अर्थात ये तेरह का, ये कितने का है तेरह का है, और ये कितने का है सात का, सात का है। तो यहां पर जो है ये तेरह, यह सेवन लिखेंगे सेवन, ये इतना ये गलत सेवन नाइन नहीं होगा, ये सेवन और तेरह, तेरह को हम तेरह ना लिखेंगे, तेरह को हम क्या करें दस के लिए क्या कित क्या प्रयोग करते हैं ए, दस के लिए ए, ग्यारह के लिए बी, बारह के लिए सी, तेरह के लिए डी, चौदह के लिए ई, पंद्रह के लिए एफ, ए बी सी डी ई एफ, बस इतना ही ना। तो तेरह के लिए क्या प्रयोग करते हैं डी, तो हम सेवन डी लिख देंगे, डी का मतलब कितना हुआ तेरह हुआ, इसको चेक कर लेंगे। सेवन डी, डी का मतलब कितना तेरह, तेरह गुने कितना करेंगे सोलह, एक्स का पावर कितना देंगे जीरो, तो सोलह। अब देखिए यहां पर थोड़ा गलत हो गया था, नाइन का ये इतना होता है वन जीरो जीरो वन होता है, तो तेरह अगुने वन तो कितना हो गया सोलह सते बलोत्तर से तेरह इकाई तेरह, यानी एक सौ पच्चीस हमारा करेक्ट हो गया आ गया। चलिए एक दो और देता हूं बनाने के लिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब एक देता हूं आप लोगों को बनाने के लिए, टू ए टू, ये डिसिमल हेक्साडेसिमल है, इसको चेंज करना है आपको दशमिक में, तो कैसे करेंगे, टू है प्लस ये क्या है ए है, ए का मतलब कितना होता है दस, प्लस क्या करेंगे टू, इसमें गुना करिए पहले दो गुने सोलह जोर दस गुने सोलह जोर दो गुने सोलह, इसको पावर कितना देंगे, इसको पावर जीरो, इसका पावर कितना देंगे एक, इसका पावर कितना देंगे दो, तो सोलह दो इंटू सोलह, सोलह कितना होता है दो सौ छप्पन, सोलह छक छियानवे दो सौ छप्पन प्लस सोलह दाही एक सौ साठ, सोलह को एक से गुना करेंगे दस से, सोलह का के पावर जीरो है जिसका मतलब सोलह दो, कितना हो गया टोटल पाँच सौ बारह जो एक सौ साठ जो दो, पाँच सौ बारह के और पाँच सौ एक छः सौ, छः सौ बहत्तर छः सौ चौहत्तर, ये आपका छः सौ चौहत्तर जो हो गया सो डिसिमल में हो गया, और ये आपका हेक्सा डिसिमल में हो गया, और छः सौ चौहत्तर को यदि हम छः सौ चौहत्तर को यदि हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, तो छः सौ चौहत्तर है तो इसको पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है छः सौ चौहत्तर कहाँ पर आएगा, इसके बाद इस यहाँ तक ये लेंगे ना
तो 512 ले लेंगे। तो चलिए 512 इसको क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। उसके बाद कर क्या करेंगे, 5 2 700 ये ज़्यादा हो जाएगा ना, 674 इसको जीरो कर दीजिए, 5 1 600 हाँ ये ले लेते हैं, 512 600 128 कितना हो जाएगा, 5 1 640 640 हो गया, ये जीरो कर देते हैं, 640 और 32 40 30 70 72 हाँ चलिए। उसके बाद क्या कर देंगे, इसको सबको जीरो कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये 101 0 1 0 1 5 0 1 2 3 4 5 ये आपका बाइनरी हो गया। और इसको क्या करना है, ऑक्टल में बदलना है, तो ऑक्टल में हम क्या बताए हैं, 3 3 करके जोड़ा लगाएंगे, तो इसको 3 3 का दाहिने ओर से 1 2 3 इधर एक है, इधर 0 2 लगा देंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 0 इसका मतलब 0, ये 1 1 00 तो 1 00 कितने का होता है, 4 का होता है, 4 का हो गया। उसके बाद 0 1 0 कितने का होगा, यानी 0 1 0 2 का हो गया, और ये कितना का हो गया, 1 का, यानी इसका जो है ये ऑक्टल हो गया, यानी 674 जो डिसिमल है इसका 1 2 4 8 ये इसका ऑक्टल हो गया। तो चलिए कुछ और देते हैं, ज़्यादा भारी वाले देते हैं जो आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए हम 20 का बताते हैं, चलिए 20 का बताइए आप लोग, 20 डिसिमल है इसका बाइनरी क्या होगा, 20 आपका डिसिमल है इसका ऑक्टल क्या होगा, 20 आपका डिसिमल है इसका हेक्साडेसिमल क्या होगा, आप लोग कमेंट में जल्दी बताइए, ए बी सी करके बताइए। तो चलिए बताता हूं मैं, ये जो है या 20 का कितना होगा, तो 20 के लिए इसमें से ले लीजिए, जो जो है लेना है उसको ऑन कर दीजिए, जो जो नहीं लेना है उसको ऑफ कर दीजिए। तो 20 देखिए 16 और 4 20 दो अंक मिलाएंगे तो 20 पूरा जाएगा, इसको ऑन कर दीजिए, इसको ऑफ कीजिए, इसको ऑन कीजिए, ऑफ कर दीजिए, यानी इसका हो गया 10100 बस हो गया, इतना आसान। अब इसको क्या करना है, ऑक्टल में बदलना है, क्या करना, ऑक्टल में 3 3 का जोड़ा लगाएंगे, चलिए इसको 3 जोड़ा लगाइए, इधर 3 को जोड़ा नहीं मिलेगा था, ये 0 दे दीजिए ना, तो क्या हो जाएगा 100 कितने का आता है, 100 4 का आता है, 10 कितने का आता है, 2 का आता है, बस हो गया 2 2 4 हो गया इसका ऑक्टल 20 का। अब इसका हेक्साडेसिमल कितना होगा, तो इसे हम क्या बोले हैं कि बस इसका 4 4 जोड़ा लगा दीजिए ना, 4 4 जोड़ा लगा दीजिए, बस 1 2 3 4 बस हुआ, इधर है बेचारा अकेले है तो 3 को 0 दे दीजिए, ये भी 4 जोड़ा में रह जाएगा, छोड़िएगा काहे, तो 1 कितना हो जाएगा 100 कितने का हो गया, 4 का हो गया, ये कितने का हो गया, 1 का, यानी 1 4 बस हो गया ये हेक्साडेसिमल। बस एक थोड़ा सा और दे रहा हूं, कुछ भारी दे रहा हूं, आप लोगों को बताना है, सात सौ बावन का देना, इसको उतारिए जल्दी, सात सौ बावन का बताना है, 752 का ये बाइनरी, ये ऑक्टल के लिए है, और ये 752 ये आपको हेक्साडेसिमल के लिए है। तो 752 कहाँ तक आप लेंगे देख लीजिए, कहाँ तक लेंगे आप लोग, 500 तो लेना ही होगा, 512 और 200 512 ये नहीं लेना पड़ेगा, 500 इसको ऑन कर देते हैं, इसको जीरो कर देते हैं, 128 500 100 600 इसको ले लेते हैं, जो लेंगे इन्हें उसको ऑन करेंगे, तो ये हो गया आपका 5 1 640 जीरो कर देते हैं, 640 जीरो कर देते हैं, 40 और 16 ये भी जीरो होगा, 40 8 48 ऑन कर दिए, 48 4 52 00 कर दिए,
उड़ गया, देख लीजिए, जोड़ लीजिए, जिसको जिसको हम एक लिखे हैं वो ऑन है, इसका मतलब उस संख्या को गिनती करना है। गिनिए 512, 128, तो 640 हो गया, 640 और 8, 648, अच्छा 652 उड़ गया, सॉरी 752 पुराना है ना, गलती हो गया ना, 600, गलती हो गया, गलती हमको 752 पुराना है, तो 500 एक 640 हो गया, अच्छा इसको भी ऑन कर दीजिए, तब हो गया ये 500 एक 640 और 64 704 32 चार 36 736 पुर गया, 36 अच्छा 52 पुर गया, चलिए जोड़ लीजिए, उसके बाद सब कुछ जीरो कर दिए। देखिए 512 और 128, 640 हो गया, 64 40 और 64 कितना हो गया आपको 704 हो गया, 32 736, उसके बाद कितना हो गया 736, उसमें 16 जोड़ेंगे तो 52 ऑटोमेटिक पुर गया, उसके बाद जीरो, यानी कौन कौन संख्या लिए है 1011110000, ये हो गया इसका द्विआधारी अंकन पद्धति। इसको है क्या करना, ऑक्टल में ना चेंज करना है, ऑक्टल में तीन तीन का जोड़ा लगा दीजिए, इधर जीरो जीरो कर देंगे, ये हो गया जीरो, ये हो गया 110, कितने का होता है 110 सिक्स का होता है ना, उसके बाद क्या होगा 11, ये जीरो पीछे लगने से कुछ नहीं होता, 11 कितना होगा 2 का, और ये हो गया कितनों जीरो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 नहीं रहेगा, ये हो गया आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम, सॉरी 1113 का हुआ 113 का होता है ये 13608, ये हो गया ऑक्टल में हो गया। अब इसी को क्या करना है, हेक्साडेसिमल बनाना है, तो हेक्साडेसिमल के लिए क्या करना है, चार चार का जोड़ा लगाना है, तो चार चार का जोड़ा लगाएंगे, चलिए 1 2 3 4 ये 4, 1 2 3 4 ये 4, 10 है इसके पीछे 2 जीरो लगा दीजिए, उसके पीछे 2, अब इसको देखिए 4 जीरो है उसका मतलब 0, 1111 यानी 4 को 1 कितने का होता है वो दिखना है ना, 1 2 3 4 कितने का होगा, 8 4 12 2 14 1 15 का हुआ, यानी ये जो है वह कितने का है 15 का है, उसके बाद ये देखिए 10100, तो 10 कितने का है 2 का है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसको ऐसे छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल में 10 से 10 नौ से ऊपर यानी 10 11 12 को हम ऐसे ही नहीं लिखते, उसके लिए क्या है ये है, तो इसको लिखेंगे 2, 15 के लिए क्या प्रयोग करेंगे F, F और ये 0, 0 के लिए 0, यानी ये 2F0 जो हो गया सो हेक्साडेसिमल हो गया। तो चलिए आज इतना ही, मैं अब क्लास को एंड कर रहा हूँ, आप लोगों को कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अब बेल आइकन को दबाना ना भूलें, वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे जरूर कमेंट में बताएं। चलिए रखते हैं, अभी नाइट का टाइम हो रहा है, जय हिंद जय भारत, गुड नाइट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें।